हेलो मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। राधे राधे, जय माता दी आप सभी को। तो गाइस, आज है लास्ट का नागत, तो बड़े बूढ़ों का खाना निकलेगा। उससे पहले मैं कर रही हूँ घर की सफाई। तो यहाँ सारा मैंने पानी गिर के धो रही हूँ यहाँ से, और यहाँ भी गिर दिया। बस मंदिर का आधा काम हो गया था, आधा रह गया था, आज इसे भी साफा कर दूँगी। और ये सारा मैंने धोना है वहाँ तक। तो चले गाइस, मिलते हो। अभी पहले इसको सफाई कर लो। और ये पड़े चाय वाय के बर्तन, जो बच्चों को चाय दे के आई हूँ, इसके पापा को, तन्नू के को। तो यहाँ से पहले धो लेती हूँ सारा, फिर मिलती हूँ। तो गाइस, नहा के मैं आ चुकी हूँ और आटा मान रही हूँ। और यहाँ रख दिया मैंने खीर बनने के लिए, और बर्तन मेरे सारे धो चुके हैं। तो चले गाइस। तो गाइस, सारा काम हो चुका है। बेड का गद्दा सोनिया के रूम में है, झाड़ू पोछा लग चुका है, और यहाँ से भी मैंने गद्दी वगैरह सब कुछ ठीक कर दी है। और तो ये खड़े तनु पापा, सिलेंडर ख़त्म हो गया, नीचे से सिलेंडर मंगा रहे हैं। और मेरा भी रूम साफ पड़ा है, और ये मैंने अभी यहाँ लगा दिए, ये जीने पे जाएंगे सारे के सारे। तो गाइस, हाँ थोड़ी तो बन चुकी है, अभी और बनानी है। सारे चून की रोटी बनेगी, भूले बिसरेन की सबकी, क्योंकि मैं तो ऐसी बनाती थी अपनी गुड़िया से पूछ पूछ के, जैसी मेरी गुड़िया बताती थी ऐसी बनाती थी। तो चले गाइस, कुछ बन गई हैं, और इधर अभी खीर बन रही है, और जो भी है थोड़ी बहुत बना लेती हूँ अभी। तो गाइस, झाड़ू पोछा लग चुका है, बर्तन वगैरह सब धो चुके हैं, और ऊपर चला रखा मैंने पंखा सूखने के लिए, और सारा काम निमट चुका है मेरा यहाँ से यहाँ तक। और यह है चार्विक की साइकिल। तो गाइस, रोटी भी बन गई, बस अब इन पे घी लगाना है, और खीर भी बनके तैयार है। अब तन्नू के पापा को इतने में इन्हें तैयार करती हूँ घी लगा के, तन्नू के पापा को बुला के वही निकालेंगे होते। मैं तो सिर्फ मैं वैसे निकाल देती हूँ अपने माँ की और अपने ससुर की रोटी निकाल देती हूँ, सास ससुर की, बाकी आज के दिन की सारी तन्नू के पापा निकालते हैं। तो बस घी लगा दूँ और बुला के लाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। गाइस, तो ये मंदिर आया साफ सफाई होने के लिए, देख सकते कितनी धूल मिट्टी हो गई, नीचे काम हुआ था ना, तो सारी तस्वीर वगैरह सब कुछ साफ करूँगी, फिर जाऊंगी नीचे। तो चले गाइस, मैं अपनी चाय ले आई हूँ, पोते निकाल दिए तन्नु के पापा ने, और अब मैं पीऊँगी चाय, फिर करूँगी इस मंदिर की सफाई। तो गाइस, खाना वाना सब निकाल दिया अपने भूले बिसरेन का सबका, और अब पीने जा रही हूँ चाय। चाय मैं जब ही पीती हूँ, जब मैं निकाल देती हूँ पोते जो होती है उसे निकालने के बाद में। खाना मैंने बना दिया, तन्नू पापा ने नहा के निकाल दिया, और अब मेरी बारी चाय। और आज हम मुझे और तन्नू को जाना है कहीं पे, कहाँ जाएंगे वो भी आपको दिखा दूँगी। तो चलिए गाइस, चाय वाय पी लेते हैं, फिर मिलते हैं आपको। तो गाइस, कुछ रोटी मैं छत पे रखी आई हूँ कौओं के लिए, और अब आई हूँ रोटी गाय के लिए देने। और दिखाती हूँ, ऑफिस भी तैयार हो गया, दिखाती हूँ अभी आपको, पहले इन्हें रखी आऊँ। तो चलिए गाइस, यहाँ लग गया है शीशा, देख सकते हो यहाँ शीशे लग चुके हैं। अब ये पूरे इसमें कवर हो गया है शीशा, और यहाँ हमने सिर्फ यहाँ तक करवाया है वॉल पेपर, इससे ज़्यादा नहीं करवाया, क्योंकि तनुक पापा को इतना ही करवाना था, बाकी का पेंट होगा ऊपर। और यहाँ भी साइड, और ये फूल वगैरह धो के यहीं लगा दिए यहाँ के लिए। मैंने कुछ और सोचा है दिवाली के बाद, दिवाली पे जाऊँगी कुछ दिन पहले जब लेके आऊँगी, और एक वहाँ लगा दिया है। तो कुर्सी वगैरह सब कुछ साफ हो गया, इस पर जो शीशा था ना गाइस वो हटा दिया हमने, और ये लगवा दिया है, ये है जो इसमें लग रहा है। तो एक ये वाला ऑफिस तो हो गया तैयार, ये भी चेंज होंगी, ये बाद में चेंज होंगी, और यहाँ होगी पुताई, ऊपर ये वाली फोर सीलिंग कराई है। तो गाइस देख लीजिए आप, सामने शीशा है, और तो अब अच्छा लग रहा है मुझे, यहाँ का मंदिर उतर के गया, उसको मैं धो के जब लगाऊंगी यहाँ पे। अब आते हैं दूसरे वाले ऑफिस में, तो यहाँ पे सोफ़ा गिरेंगे, और ये सारा कवर करवा दिया तन्नू पापा ने। तो यहाँ आएंगे सोफ़ा, एल सेफ जैसा भी आएंगे वाले आएंगे, और ये शीशा है, और एक ऑफिस बनेगा इसमें, इसमें जब ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो इसमें भी ये गेट हटके शीशे का गेट लगेगा, अंदर सोफ़ा घेरे जाएंगे। तो गाइस बस, और ऐसे यहाँ पे करवाइए। तो अब ये फुल ऑफिस हो चुका है बड़ा वाला, अच्छा ये तनुक चिट्ठी विट्ठी ली जाए तो वो भी नीचे ही ली जावे, देखते हैं ऊपर लेते हैं या नीचे लिखी जाती है, ऊपर लिखी जाती है, देखते हैं गाइस। पर ऑफिस इतना बड़ा हो गया कि नीचे भी आ सकते हैं, गीत वगैरह भी हम शायद मैं नीचे ही रखूं। चलिए, अरे तनुक पापा, तो चले गाइस,
चलते हैं। तो गाइस किचन का सारा काम निपट गया है और मंदिर भी मैंने साफ करके रख दिया, नीचे जाऊंगी थोड़ी देर में लगाने के लिए। और बर्तन वगैरह सब कुछ धो दिया, बर्तन धो गए, आटा बांध के रख दिया। अब रोटी वोटी बनेंगी और आज बनाऊंगी चटनी और रायता बूंदी का। तो चलिए गाइस किचन दिखा देती हूँ। तो गाइस यहाँ आटा बांध के रख दिया और इसमें कर दिया मैंने खीर, इसमें है दूध, बस रायता और चटनी बनानी है। तो बनाऊंगी अब, किचन वगैरह साफ कर दिया है, सारा गैस भी अच्छी तरह से साफ कर दिया है। तो तेल चिमटे सब मांझ के रख दिए, बस थोड़ा सा कूड़ा ही से नीचे जाके गिर के आऊँगी। और बर्तन सब धो दिया, सिंक वगैरह सब साफ कर दिए। तो चलिए गाइस मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। तो गाइस मंदिर अच्छी तरह से मैंने कर दिया है साफ, तस्वीर लगा दी है, बस ये नीचे जाके लगाना। और यहाँ आया है आटा, आटा ख़त्म हो गया था। तो चलिए गाइस इन्हें नीचे रखे आती हूँ मंदिर को, और कपड़ा धो के सुखा दिया है मैंने, मंदिर नीचे रखे आती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो गाइस मैं बना रही हूँ आज मटर पनीर। तो यहाँ लिया है मैंने प्याज, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, जीरा और टमाटर। और यहाँ हो रहा है दूध उबल रहा है, शाम का टाइम है ये। और यहाँ मैंने रखे है मटर उबलने के लिए, क्योंकि ये मटर गलती नहीं है इसलिए। और अपने लिए बनाई है चाय, आज है लास्ट कनागत। और सुबह ही मैंने पितरों का सबके लिए, भूले बिसरे इनके सबके लिए खाना निकाल दिया था। तो चले गाइस। तो गाइस टाइम हो रहे हैं 7:30 और मैं बना रही हूँ आज मटर पनीर, क्योंकि कल है पहला नोट का। तो तन्नू सोनिया ये भी बरती रहेंगे, तो बोल रहे हैं मम्मी आज कुछ अच्छा बना लो। तो मैंने कहा चलो, पहले मैं मलाई कोफ्ता बना रही थी, तो फिर तन्नू सोनिया ने बोला आज नहीं, फिर किसी दिन बनाना। तो अब मैं बना रही हूँ मटर पनीर। और सुबह मैंने पोते निकाल दी थी, बड़े बूढ़े इनकी जो होती है, और भूले बिसरे इनकी सबकी निकाल दी थी। तो चलिए गाइस दूध रख दिया मैंने, प्याज टिपको, प्याज वगैरह सब कुछ काट लिए। और रात हो रही है गाइस, और गर्मी पता नहीं क्यों इतनी हो रही है, तो बारिश पड़ जाए तो अच्छा है, गर्मी बहुत हो रही है गाइस। तो चलिए गाइस सब्जी बना लेती हूँ और आटा मार लेती हूँ, मिलती हूँ अभी आपको, और छुन छुन को दिखाते हैं। तो गाइस चाकी की दुकान पे लाइट नहीं आ रही है, तो इस वजह से आटा वहाँ से आया नहीं इस बार, ना पीस कर आता था ना, जिस बार मैंने नीचे से मंगाया है दुकान पे से ये वाला आटा 10 किलो। और इसको चाहिए टमाटर, तो कैसे पागल हो रही है। मैंने इसलिए पनीर नहीं रखा, नहीं पनीर को भी ख़राब कर देती। देखो कैसे लड़ रही है, दे दे मुझे। अरे अभी देखना गाइस, अरे देखो अब खा के दोबारा मांगेगी, इसलिए फटाफट से इनकी तैयारी कर लेती हूँ बनाने की। पहले चाय पी लेती हूँ क्योंकि चाय हो रही है ठंडी, फिर मिलते हैं गाइस। गाइस चार्विक को देखो साइकिल गेर के कैसे गया। तो चलिए गाइस मसाले आ गए हैं और तेल चढ़ा दिया मैंने, पहले इन्हें अच्छी तरह से भूनूंगी, ज़्यादा नहीं भूनने हैं, और फिर इनको मिक्सी ठंडे होने के बाद मिक्सी में पीसूंगी, इतने मेरी मटर भी हो जाएगी यहाँ पे, तेल हो जाए। ये पागल हो चुकी है बिल्कुल। अच्छा ये टमाटर के पीछे इतनी पागल हो गई है ना, ऐसे जिगर से मारो अभी मारू, बैठ चल जाओ यहाँ से, अब तेल वेल का काम जाओ। चलिए गाइस, और अब मुझे बहुत आसान हो जाता है, छोटे डिब्बे मैंने यहाँ रखे हैं और बड़े यहाँ, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और किसी दिन मैं ये भी बनाऊँगी सोयाबीन की कुछ स्पेशल चीज। तो गाइस पहले मैंने गेरे हैं प्याज, और गाइस क्या कह रही थी मैं खुद ही भूल जाती हूँ, सॉरी। और इस बार तो शायद मैं पूरे नोड़ते ना रहूँ तबीयत की वजह से, क्योंकि तबीयत ख़राब नहीं करनी है मुझे, इसलिए देखते हैं मैया रानी कृपा रही तो पूरे नोड़ते रहेंगे, जैसे भी होगी तो दूसरे नोड़ते में पता चलती है, मैं दूसरे नोड़ते में ही फैसला लेती हूँ कि पूरे रहना है कैसे रहना है। अब तक तो मैं कभी रही नहीं हूँ पहल का लास्ट का, पर देखते हैं मैया रानी कृपा कैसे रहती है, तो पूरे नोड़ते रहेंगे। तो गाइस यहाँ मैंने थोड़ी सी हींग गेरी थी, हल्दी, जीरा और नमक गेर दिया है, और इन्हें 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरह से टमाटर गल जाएंगे, ठंडा करने के लिए रख दूँगी। तो गाइस मैं काट रही हूँ पनीर, और छुन छुन अब पनीर के लिए भी रो रही है, क्या ही कह सकते हैं इस बच्चे का। तो गाइस मेरा वॉश टाइम कंप्लीट होने वाला है, 1 साल मैंने पहले वाले चैनल पे मेहनत की है, और 1 साल इस 1 साल तो खैर नहीं हुआ अभी, इस पे हो जाएगा, पर मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा वॉश टाइम पूरा होने वाला है, थोड़ा सा कम है, हो जाएगा 10-15 दिन में, सब आपकी बदौलत है गाइस जो मेरे इतनी जल्दी वॉश टाइम हो रहा है। और यहाँ कट गया है पनीर, और देखो छुन छुन को दे देते हैं 1 पीस। तो चलिए गाइस, तो यहाँ काट दिया मैंने एक पनीर, 200 ग्राम जिन 250 ग्राम आता है वो है।
और ये भी हो चुके हैं ठंडे कर दिए, मटर भी हो चुके हैं, गैस बंद कर देती हूँ। तो गाइस सब कुछ तैयार है, टमाटर की तरी मैंने प्यूरी बना ली है इसकी और देर पे हो चुका है, तो पहले गिरूंगी मैं ही जो कि अब खत्म हो चुकी है और अब जाएगा इसमें जीरा। प्याज मैंने पहले ही भून ली है मिक्सी में और अब नहीं गिरूंगे बस के लिए। और आ गया तो चलिए गाइस जीरा भी हो चुका है और अब डाल देते हैं जीरा और इसे एक दो मिनट के लिए खदकने देते हैं, एक मिनट के लिए अच्छा खासा। तो गाइस थोड़ी सी गिर रही हूँ मैं इसमें दही, क्योंकि दही बहुत अच्छी रहती है, इसमें स्वाद आता है कलर की, ज़्यादा नहीं गिर रही थोड़ी सी बस। तो चलिए गाइस दिखाते हैं। तो गाइस मैंने गिर दिया दही, सभी मिक्स कर देते हैं और नहीं फट जाएगी। ऐसी सब्जी पहले मैं नवेड़ा में बनाती थी, यहाँ तो बहुत कम बनाई है मैंने दही गिर के, पर एक बहुत अच्छा खट्टापन सा आता है सब्जी में और बहुत अच्छी भी लगती है। और मसाले भी खदक चुके हैं और वहाँ मटर भी हो चुके हैं, तो बस चलिए। तो गाइस देख सकते हो मसाले अच्छी तरह से पक गए हैं, तेल आ गया है साफ चारों तरफ और अब डालूंगी इसमें मैं मटर और सब्जी जब बन जाएगी लास्ट में गेरूंगी आज की, पहले नहीं गेरूंगी। तो गाइस देख सकते हो बस इसमें मैं थोड़ा सा पानी गेरूंगी और एक दो मिनट के लिए मटर अच्छी तरह से पका दूंगी और जैसे मटर पक जाएगी उसके बाद डालूंगी इसमें पनीर, और पनीर मसाला भी मैंने पहले ही गेर दिया लास्ट में, बस अब के लास्ट में ऐड करूंगी इसमें घी। तो गाइस देख सकते हो कितना अच्छा कलर आ रहा है, बहुत बढ़िया। और अब डाल दी थी मैंने इसमें मटर भी। तो गाइस मैंने गिर दिए हैं इसमें पनीर और बस दो तीन मिनट और इसे अच्छी तरह से पका लेते हैं, गैस तेज है। और ये कढ़ाई मैंने निकाल ली, रखी हुई थी, फिर मैंने कहा उसे छोड़ देती हूँ, उसे पूरी के लिए रखूँगी। और बस गाइस और अब डालूँगी इसमें घी। तो गाइस अब गिर दी हूँ इसमें एक चम्मच घी, बिना घी के तो मुझे सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं आती। तो चलिए एक दो मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लें, दो तीन मिनट के लिए, फिर इसे बंद कर देंगे। तो गाइस सब्जी छोकने के बाद में आ गई थी आटा मारने, क्योंकि अगर छार्विक आ गया तो बिल्कुल भी आटा नहीं मारने देगा और कहेगा कि मुझे यहीं बिठा लो, तो उससे उसके आने से पहले ही मैं आटा मार के रख दूँगी। और छुन छुन मुझे कर रही है बार बार दुखी, पैरों को खींच रही है मेरे के, टमाटर दे दे। पर मैं अब मैं पीछे मुड़ मुड़ के देख रही हूँ कि छार्विक तो नहीं आया, उसको बहुत डर रहता है गाइस, ऊपर बिठा दो तो निचला ही नहीं रहता, कभी ये छेड़ता है कभी वो छेड़ता है, इस वजह से। तो उसके आने से पहले पहले आटा मार दूँगी और छुन छुन को चाहिए टमाटर और पनीर, तो देखो कैसे भाग रही है इधर उधर। तो बस इसको ना डेली का एक टमाटर चाहिए छुन छुन को, उसको पता नहीं क्या आदत हुई है टमाटर खाने की। और यहाँ मैं फटाफट से सीट ढक के मैंने आटा मार के रख दिया। तो गाइस यहाँ सब्जी बनके तैयार है और देख सकते हो कितनी अच्छी लग रही है, और मैंने थोड़ी सी चखी है तो सब्जी बहुत अच्छी है, नमक मिर्च सब कुछ बराबर है इसमें। और अब बना लेते हैं रोटी, आटा मांड के रख दिया है मैंने ये रहा। तो बस बच्चों के लिए सब्जी ठंडी कर देती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। तो गाइस सारा काम निमट चुका है, सबने रोटी खा ली, बस मैं रह रही हूँ। तो मैंने अभी किचन वगैरह साफ करके अब खाऊंगी, और छुन छुन इतनी ज़्यादा भूस रही है ना, तो गैस वगैरह सबको साफ कर दिया, स्लिप सारी साफ कर दी है, तेल चिमटे मांझ के रख दिए हैं, मांझ जा, बर्तन वर्तन सब धो गए हैं। तो गाइस मैंने भी खाना खा लिया, बाकी सब ने खाना खा लिया, बर्तन वर्तन सब धो के रख दिए हैं। और अब इस ब्लॉग का करूँ मैं यहीं पे एंड, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।